मैं नूर सबा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, आज मैंने बनाया है दोस्तों, कबाबों में काफी सारे वेरिएंट होते हैं और शामी कबाब अपने आप में खास है। खास इसलिए है कि अगर हमारे पास गोश्त की क्वांटिटी कम हो तो हम शामी कबाब बना सकते हैं, क्योंकि इसमें चना दाल ऐड करना होता है जिससे कम गोश्त में ज़्यादा क्वांटिटी मैनेज हो जाती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी स्पाइसी होता है। तो आइए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि शामी कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। ये मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे अच्छे से वॉश करके साफ कर लिया है। ये एक कप चना दाल है, मैंने इसे एक घंटा भिगा के रखा था और इसे वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। ये दो अंडा कबाब को फ्राई करने के लिए लगेगा, एक कली लहसुन, थोड़ा अदरक और दो प्याज, इसे मैंने थोड़ा मोटा ही कट किया है। ये दो नींबू का रस, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ हमें लगेंगे कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, एक बड़ा चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता, ये स्टार फूल का छोटा सा टुकड़ा, दो इलायची, दो लौंग, दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, 15 से 16 सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं, 10 से 15 लहसुन, इसे भी बारीक चॉप करेंगे, ये कुछ हरी धनिया, इसे भी बारीक कट कर लिया है, ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, ये कुकिंग ऑयल जितना भी हमें कबाब फ्राई करने के लिए लगेगा। सबसे पहले हम चिकन और चने की दाल को उबालेंगे इन सारे सामानों के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, जब दाल को उबालना ही था तो इसको भिगा के क्यों रखा? क्योंकि चने की दाल चिकन की बनिस्बत ज्यादा वक्त लेगी गलने के लिए, इसीलिए मैंने चने की दाल को एक घंटा भिगा के रखा था ताकि पकते वक्त चिकन और दाल दोनों ही एक साथ गल जाए। हाँ, लेकिन अगर आप मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं कबाब बनाने के लिए तो उस वक्त आपको चने की दाल भिगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मटन के साथ उबाल सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम मटन लेगा गलने के लिए उतने ही टाइम में दाल भी गल जाएगी। दोस्तों, मैंने ये सब चीजें ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा ग्लास पानी, क्योंकि चिकन भी थोड़ा पानी छोड़ेगा। अगर आप इसे कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो आधे ग्लास की जगह एक ग्लास पानी लीजिएगा और इसे 20 से 25 मिनट तक पका लीजिएगा। फिलहाल हम कुकर में पका रहे हैं तो हमें इसे लगभग 2 सीटी आने तक ही पकाना है। दोस्तों, फ्लेम को हम मीडियम या मीडियम हाई पे रखेंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। दो सीटी हो चुकी है, अब हम प्रेशर को रिलीज करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये बढ़िया बॉईल हो गया है, चिकन ने भी ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है। ये जो आप थोड़ा पानी देख रहे हैं, इतना तो हमें चाहिए इसे पीसने के लिए। अगर इनके चिकन ने ज्यादा पानी छोड़ा है और इससे ज्यादा पानी आपको लगे तो आप हाई फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट पका लीजिएगा ताकि पानी जो थोड़ा सूख जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एकदम से पानी नहीं सुखाना है, नहीं तो हमें पीसते वक्त दिक्कत होगी। दोस्तों, ये काफी गर्म है तो हम इसे फैला के ठंडा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये दाल अच्छी गल गई है, हमें बहुत ज्यादा गली हुई दाल नहीं चाहिए, ये लगभग 95% पक्की हुई है। आप देख सकते हैं सभी दाल अच्छी है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे बॉईल करना था। अब हम इसे पीसेंगे, लेकिन पीसने से पहले हम इसमें से कुछ गरम मसाले निकालेंगे जिनका काम इसमें से खत्म हो चुका है, इनका अर्क इसमें उतर चुका है।
या यूं कहें इनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। लाल मिर्च और काली मिर्च को नहीं निकालना है। दोस्तों ये हमें लौंग भी निकालनी है, क्योंकि लौंग अगर बारीक नहीं पीसी गई तो इसकी डंडी जो है कबाब का स्वाद बिगाड़ सकती है। कुछ एकात अगर छूट गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सामने सामने है उसे निकाल लेंगे। अब जैसा हमने गरम मसाले को निकाल लिया है, वैसे ही हम पीसने से पहले चिकन और दाल को भी अलग करेंगे। हम अलग अलग पीसेंगे क्योंकि दाल को हमें बारीक पीसना है और चिकन थोड़ा दरदरा रेशेदार पीसना है, क्योंकि चिकन अगर दाल इतना बारीक पीस जाएगा तो हमें चिकन का टेस्ट या फील नहीं मिलेगा। ये मैंने लाल मिर्च, चिकन और दाल को अलग कर लिया है। अब इसे चलते हैं पीसने। जार में हम सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च, ताकि मिर्च अच्छे से पीस जाए। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके पीसना है अपने जार के हिसाब से। ये दाल हमारी पीस गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में हम चिकन को भी पीसेंगे। चिकन को हम दो हिस्सों में पीसेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये चिकन को मैंने दरदरा सा ही पीसा है, बिल्कुल इसी तरह से आप भी पीसिएगा। चिकन को बारीक नहीं करिएगा, नहीं तो हमारा कबाब इतना उम्दा नहीं बनेगा। ये हमारा सारा पीस के हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, हरी मिर्च और लहसुन को। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स करके हो चुका है। और हाँ दोस्तों एक बात और, अब आप इस स्टेज पे इसका नमक और तीखापन टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें नमक और तीखापन कम हो तो आप इसमें नमक और हरी मिर्च बारीक कट करके ऐड कर सकते हैं। ज्यादा का तो सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल मैंने इसे टेस्ट किया है, इसमें कोई चीज की कमी या बेशी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं फ्राई करने के लिए। इसे अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसे इसी स्टेज पे जिप लॉक बैग या किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 3 से 4 दिनों के लिए रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए एक पैन या तवे पे तेल गर्म करेंगे, और जब तेल गर्म हो जाए तो ये जो शामी कबाब की टिकिया जो हमने तैयार की है उसे अंडे में डिप करके गरम तेल में ऐड कर देंगे। अच्छे से अंडे में डिप करना है और दोनों तरफ अंडे की कोटिंग हो जाए इसी तरह से डिप करके फ्राई करना है। फ्लेम को फिलहाल मैंने मीडियम हाई रखा है, और इसी तरह से हम सारी टिकियों को अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। बहुत जल्दी पकता है और उससे भी जल्दी जल भी जाता है, इसीलिए इसे लगभग 1 से 2 मिनट में पलटते हुए पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही इसकी खुशबू जो हमें ये एहसास दिला रही है कि ये काफी जायकेदार बना है। देखिए दोस्तों ये 5 से 6 मिनट में ही बढ़िया पक के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पेपर टॉवल या टिश्यू होगा तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। दोस्तों इसी तरह से हमें सभी कबाबों को फ्राई करना है। ये शामी कबाब हमारे तैयार हैं। हरी चटनी, पुदीना, प्याज और नींबू के साथ इसका लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों
तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी मिलती है। और जाते जाते आपसे कहना चाहूंगी, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।